दोस्तों एक और दिन बाकी है फॉर चार्ल्स ओलिवेरा मकाचेव फाइट के लिए। हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो चुके हैं द रियल वेन्स, और बात करते हैं उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ फॉर चार्ल्स ओलिवेरा फैंस। चार्ल्स ओलिवेरा की जो आई पावर है, जो आई साइट है, इसके बारे में हमने बात की थी कुछ महीनों पहले कि कैसे कि वो स्ट्रेट पंच वो नहीं देख पाते, और जब वो पहुँचते हैं फाइट करने के लिए, जब वो एंटर करते हैं ऑक्टागन में, उससे पहले तक वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं और फिर निकाल देते हैं, और जैसे ही फाइट ख़त्म होती है वापस आके फिर से चश्मा वो पहन लेते हैं। तो क्या उनकी आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक है कि वो ऑक्टागन से लेके जो उनका एरिया है जहाँ पे वो पीछे बैठते हैं बैक स्टेज, वो वहाँ तक भी बिना चश्मे नहीं वॉक कर सकते? और उन्हें कहा था एक इंटरव्यू में कि मुझे ऑक्टागन में नॉट वन बट 3 लोग दिखाई देते हैं, 3 फाइटर्स दिखाई देते हैं, और क्योंकि वो करते हैं बिलीव गॉड में, वो लेते हैं नाम गॉड का, और जहाँ उनका दिल कहता है वहाँ पे वो पंच करते हैं और इसलिए वो जीतते हैं। आई मीन क्रेजी राइट। इमेजिन कि आप जाते हैं फाइट करने, किसी से आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, लाइक ओह माय गॉड अब कहाँ पंच करूँ मैं, भगवान मुझे बताओ कहाँ पंच करना है। यानी कि कितना सच था कितना झूठ था, बट इतना मोटा चश्मा पहनना फाइट से पहले और बाद में डेफिनेटली उनकी आईसाइट बहुत वीक थी। और कल जब वो इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने कहा कि तब उनके पास सेक्स नहीं थे, उनके पास चश्मा नहीं था। उनसे पूछा गया कि ओलिवेरा वेयर इज योर चश्मा, और उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने जो सर्जरी होती है आईसाइट की, फॉर द लेसिक सर्जरी, वो उन्होंने करवा ली है, एंड नाउ ही कैन सी साफ साफ बिना किसी चश्मे के, बिना किसी सपोर्ट के, विच इज़ गुड बिकॉज अब उन्हें सिर्फ एक फाइटर दिखाई देगा ऑक्टागन में उनके सामने, ना कि 3 फाइटर। और ये जो मेम है ये हमने देखा था कुछ दिनों पहले, जहाँ पे पीटर पार्कर वाला मेम, सो मैंने डाला है। बट येस, गुड न्यूज़ इज फॉर चार्ल्स ओलिवेरा फैंस, अब जो कि एक शायद वीकनेस थी कि वीक है आईसाइट, और मे बी दैट्स वाई वो स्ट्रेट पंच नहीं देख पाते, नाउ ही कैन सी। आई मीन एटलीस्ट फैंस कैन होप। नाउ बात करते हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस, टेंस माहौल। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहाँ पे आई फील यस यस, और कुछ बहुत ही की मोमेंट्स उस फाइट में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑब्वियसली जो फोकस था वो था मकाचेव पे और ओलिवेरा पे, होम क्राउड सपोर्टिंग ऑब्वियसली मकाचेव। ओलिवेरा के पास कुछ फैंस थे, और हालांकि खुद ओलिवेरा नहीं बोल सकते इंग्लिश, बट जो उनके ट्रांसलेटर थे, व्हाट ए फैंटास्टिक जॉब, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और जो एनर्जी फैंस चाहते थे फ्रॉम ओलिवेरा, हालांकि ओलिवेरा बहुत आराम से बात कर रहे थे सेम टोन में, लेकिन जो उनके ट्रांसलेटर थे वो बहुत उनको हाइप कर रहे थे, उनकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन को। एक बहुत अच्छा माहौल बन गया। कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले मकाचेव ने, कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले ओलिवेरा ने, बट डजंट मैटर, अब तो फाइट होने वाली ही है। बट बोथ लुक लाइक या दे आर देयर फॉर देयर मिशन विच इज़ द लाइटवेट बेल्ट। कोमेन इवेंट, आई मीन नो डाउट कि जो इंसल्ट वो होनी थी वो थी फॉर डिलेशॉ रिगार्डिंग हिज फेल्ड ड्रग टेस्ट। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मारा टीजे डिलेशॉ ने। आई एम नॉट श्योर उस पॉइंट को मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, और क्या मुझे वो पॉइंट हिंदी में बोलना चाहिए, बट आई मीन जो लोग जानते हैं इंग्लिश वो जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस चैनल पे वो चीज़ हिंदी में बोलना चाहूँगा कि जो कही टीजे डिलेशॉ ने, बट फैंस नो जो कि जानते हैं कि क्या बोला। आई मीन दीज फाइटर्स आर डेफिनेटली इस टाइम पे डिलेशॉ लुकिंग कॉन्फिडेंट फ्रेंकली। आई थॉट कि शायद वो थोड़े से हिचकेंगे बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, बट ही इज़ नॉर्मल। आई थिंक ही इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल इफ़ नॉट 100% नॉर्मल। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे फैंस से, मीडिया से, और ऑब्वियसली आल्जो कॉन्फिडेंट, लुकिंग शार्प, इज़ अ चैम्प। आई मीन दिस इज़ अ ग्रेट कोमेन इवेंट। येस, पीटर यान, शॉन ओमेली, अगेन जो इंसल्ट की पीटर यान ने। आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको हिंदी में आपको बताना चाहिए मुझे या नहीं, सो आई विल नॉट डू दैट। बट आई मीन येस, पीटर यान डेफिनेटली लुक्स सीरियस, लुक्स लाइक रेडी। शॉन ओमेली अगेन काम, कूल, और एक पुश किया पीटर यान ने शॉन ओमेली को ड्यूरिंग फेस ऑफ। आई मीन ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक वॉज ए विक्ट्री। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो पैसे भी चार्ज कर रहे होते आई थिंक लोग जाते। पहली बार जब सामने आए सब फाइटर्स, ऑब्वियसली लंबे हैं हाइट में शॉन ओमेली। इन दिस केस आई फेल्ट ऑल्जो और डिलेशॉ ऑलमोस्ट सेम, मे बी जो होंगे वेन्स वी विल सी कि क्या डिफरेंस है. बट मेन थिंग वाज जो मेन इवेंट है ओलिवेरा और मखाचेव, कुछ साफ साफ समझ नहीं आया कौन सा ज़्यादा बड़ा फाइटर है. मे बी जब वो आएंगे सामने निकाल के टी शर्ट फॉर द वेन्स तब शायद हम कुछ देखेंगे. बट मुझे कुछ खास समझ नहीं आया कि कौन सा ज़्यादा फाइटर पतला है या बड़ा दिखाई दे रहा है इस फेस ऑफ में. बट एनीवे दोस्तों, माहौल बहुत टेंस है. मतलब वो टेंशन आप हवा में महसूस कर रहे होंगे ऑफकोर्स जो रियल फैंस हैं. एंड या वन मोर डे आई थिंक अब जो बाकी इवेंट वो बाकी है ऑब्वियसली द ऑफिशियल और द सेरेमोनियल फेस ऑफ. वेन्स हो चुका है, सबने अपना वेट किया, नो इश्यूज़. ओलिवेरा इजी वेट कट, मखाचेव नो इश्यूज़. ऑल फाइटर्स आई थिंक डिड वेट कट परफेक्टली, सो या नो इश्यूज़ देयर. ऑल फाइट्स आर ऑन. इवन वोल्कानोव्स्की ने अपना वेट कट किया 155, ऑब्वियसली नो इश्यूज़ देयर. बट होपफुली उनकी नहीं जरूरत पड़ेगी, अब सब कुछ अब सेट है. तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो. अब मैं क्या बोलूँ इसको, इसी लगे रिकैप और काइंड ऑफ ए समरी ऑफ जो हुआ फेस ऑफ वेन्स एंड चार्ल्स ओलिवेरा की आई पावर. थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय बाय.